नमस्कार मित्रों, दमन स्वराज में आप सबका स्वागत है। मित्रों, दिनांक 1 जुलाई 2020 को नरेगमा पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की का गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिसके मामले की गंभीरता देखते हुए एसएचओ सोहेल जीवाणी के नेतृत्व में 4 से 5 टीम बनाकर तस्वीर किए हुए पता चला कि गुमशुदा लड़की पहले भी एक बार घर से भाग चुकी थी और आज वापस भाग गई है। आगे की तफ्तीश करते हुए लड़की को एक जगह पर बरामद किया और लड़की बेहोश घबराई हुई थी। मामला कुछ अजीब सा लगते हुए आगे की तफ्तीश शुरू रखते हुए पता चला कि उसका सौतेला बाप, जो खारीवार नरेंद्रमन का रहवासी है, जिसने नाबालिग लड़की के ऊपर 1 साल से दुष्कर्म करता था, और पता चलते ही लड़की के बयान से अभियुक्त के ऊपर धारा 376 IPC एवं धारा 6 ऑफ POCSO एक्ट 2012 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है और आगे की तफ्तीश जारी रखी गई है। दर्ज करते अभियुक्त को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिनांक 4 जुलाई 2020 के दिन नामदार सेशन कोर्ट दमन साहब समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सेशन कोर्ट दमन साहब ने दिनांक 7 जुलाई 2020 तक पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की थी, जिसकी पुलिस कस्टडी कार्यवाही पूर्ण होने पर फिर से अभियुक्त को नामदार कोर्ट समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे नामदार कोर्ट साहब ने 14 दिन का जुडिशल कस्टडी रिमांड मंजूर की है और आगे की तजवीज दमन पुलिस द्वारा जारी रखी गई है।